सो दोस्तों, देर से ही सही, लेकिन लिनोवो ने अपने लीजियन 5 को AMD राइजन 5 4600H CPUs के साथ इंडिया में फाइनली लॉन्च कर दिया है, जिसका प्राइसिंग आप लोगों को दिख ही रहा होगा दोस्तों, जो कि अंडर 68K में लॉन्च किया गया है। तो क्या ये लैपटॉप इस प्राइस रेंज में आप लोगों के लिए सही है भी कि नहीं, इस प्राइस पॉइंट में आप लोगों को और भी क्या ऑप्शन देखने को मिल रहे थे और अभी भी क्या आप लोगों को मिलते हैं, और मेरा क्या पर्सनल ओपिनियन है, आप लोगों के लिए आज के इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखिए, और साथ में अगर आप लोगों को इस तरह के वीडियोस और भी फ्यूचर में चाहिए दोस्तों, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि मेरे फ्यूचर वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली मिलते रहे। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले इस वेरिएंट के स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि क्या कुछ आप लोगों को इस लैपटॉप में मिलने वाला है। तो ये लैपटॉप आप लोगों को Ryzen 5 4600H के CPUs के साथ NVIDIA का GTX 1650 का ग्राफिक्स कार्ड का कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है दोस्तों। स्टोरेज में आप लोगों को SSD प्लस SSD दोनों ही देखने को मिलेगा, तो ये बढ़िया बात मुझे लगी इसमें। 8GB का रैम है दोस्तों, जिसको आप लोग अप टू 16GB तक अपग्रेड कर सकते हैं। 32GB का होता तो थोड़ा और बेहतर लगता, लेकिन जो है यही है दोस्तों। 15.6 इंच का फुल HD का डिस्प्ले आप लोगों को मिलता है। IPS डिस्प्ले है दोस्तों, जिसमें आप 120Hz रिफ्रेश रेट का ऑप्शन मिल जाता है। फुल साइज बैकलिट कीबोर्ड मिलता है, जिसमें आप लोगों को व्हाइट कलर देखने को मिल जाएगा। तो ये कुछ इसके स्पेसिफिकेशन है। आप लोगों को बैटरी में भी रैपिड चार्ज का सपोर्ट मिल जाता है। तो ये कुछ क्विक स्पेसिफिकेशन है। आप लोगों को ज्यादा जानना है तो आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन को फॉलो करके आके जान सकते हैं। बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, ये बहुत ज्यादा न्यू लैपटॉप है नहीं, बहुत ज्यादा ओल्ड लैपटॉप है। कब लॉन्च हो गया था यहाँ पर बाहर के देशों में, इंडिया में आते आते बहुत देर कर दी दोस्तों। तो अब बात करते हैं कि आप लोगों को ये लैपटॉप लेना चाहिए कि नहीं। देखिए, प्राइस के अकॉर्डिंग तो लैपटॉप लेने लायक है दोस्तों। बढ़िया स्पेसिफिकेशन आप लोगों को इस प्राइस रेंज में प्रोवाइड किया जा रहा है। इस प्राइस रेंज में आप लोगों के लिए ASUS टफ भी अवेलेबल है। सेम आप लोगों को 144Hz रिफ्रेश रेट इसमें दिया जा रहा है। इसमें आप लोगों को 120 मिलता था। आप लोगों को HP का ही पवेलियन गेमिंग भी इसी प्राइस रेंज में देखने को मिल रहा था। तो सारे लैपटॉप अलग अलग ब्रांड के तरफ से आ रहा है, तो एक और ऑप्शन आप लोगों के लिए यहाँ पर खुल गया है दोस्तों। अगर आप लोग लिनोवो के साथ आप जाना चाहते हैं तो लिनोवो के साथ भी जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्राइस रेंज को देखते हुए मुझे बढ़िया ये लैपटॉप लगा। सो अगर आपको ये लैपटॉप चाहिए तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। लिमिटेड स्टॉक है, तो अगर आप लोगों को लेना है तो जल्द से जल्द ले सकते हैं दोस्तों, क्योंकि लैपटॉप्स जो है दोस्तों काफी जल्दी यहाँ पर आउट ऑफ स्टॉक हो रहे हैं। और इसी लैपटॉप के साथ आप लोगों को एक हेडसेट का कॉम्बो भी देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप लोगों को हेडसेट के साथ लैपटॉप चाहिए तो डेफिनेटली इसको आप लोग चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो यही कुछ बातें शेयर करनी थी दोस्तों, बहुत ज्यादा तो कुछ कहने का था नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से ही हम लोग इस लैपटॉप के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं। बस मुझे बताना था कि आप लोगों के लिए लैपटॉप आ गया है, तो आप लोगों के पास भी एक और एक ऑप्शन आ गया है, मेरे पास भी ऑप्शन आ गया है कि आप लोगों को मैं रिकमेंड कर सकूं ये भी लैपटॉप। सो डेफिनेटली आप लोग इसको जाकर चेकआउट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को लेना है, कोई मन में डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कर दीजिए। वीडियो कैसा लगा मुझे बताइएगा जरूर, और वीडियो को एक लाइक तो जाते जाते जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को भी शेयर करना ना भूले। चलिए, इसी बात के साथ मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।